तो फाइनली आज का दूसरा डेस्टिनेशन पोर्तो, नदी और समुद्र का संगम। ये समुद्र देव और इस साइड नदी। अभी हम आपको दिखाते हैं भगवान श्री सूर्य नारायण सहित समुद्र देव। ये देखिए, वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। ओके, भैया ने बोला उधर नहीं जाने का है, वो नीचे भी हम जा सकते हैं। यस, या इट्स नॉट सेफ्टी। ये आप देखिए, बड़े बड़े पत्थर के चट्टान और समुद्र की लहरें। ओके, यू कैन सी द सैंड एवरीथिंग। Yes, maybe we can walk there. Yeah. Yep. Here we go by car. It's more easy for us. Yes. And how long far from here? By car, 5-10 minutes. Okay. Okay. It's better. Wow. Bhagwan Surya Narayan, dheeme dheeme astoday ki taraf. Chaliye, hum chalte hain aage ki taraf. Yes. Okay. Yep. Wow, they said the place called Cascais of Porto. Yes. And the sun. Ye hai Portugal. Portugal, Portugal. Vasco da Gama. Brass. Clean grass. Yes, it's true, yeah. Yes, true. Dholi Rama. And there was a flying there. So finally, पुणे हम लोग यहाँ पे आए और अभी अभी मिगिल भाई भी निकले हैं और यस सो अभी बस हम एंटर कर रहे हैं बीच की तरफ और ये वॉकिंग साइकिलिंग स्केट सभी के लिए इन्होंने वो बना कर रखा हुआ है। और यहाँ पे समर में बहुत ही आनंद होगा लोगों को, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी है यहाँ पे। अभी हम हैं पोर्तो और पोर्तो में जो नदी के इस पार अभी हमें गाइया करके जगह है, गाइया, GAIA। और ये देखिए अब सामने वाटर स्पोर्ट्स भी लोग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं। और ये सन, भगवान सूर्य ऑलमोस्ट अस्तोदय की तरफ बहुत ही करीब और हम यहाँ सूर्यास्त देख करके निकल लेंगे। फिर कल हम किसी और नए जगह की खोज में निकलेंगे। आप अगर स्नान करते हैं बीच से तो वहाँ से मतलब स्विमिंग वगैरह करने के बाद आपने पूरी तरह से सन ले लिया पूरे दिन, उसके बाद यहाँ पे आकर आप शावर ले सकते हैं। ये झरने हैं, यहाँ बटन्स हैं, ठीक है। जैसे भैया ने बताया अभी कि ये बहुत बड़ा बीच है, मतलब ये बहुत दूर तक है। इन्होंने तो बताया कि बहुत सारे किलोमीटर अगर आप काउंट करते हैं, मतलब मोर देन 20-25 किलोमीटर खिंच नहीं। सो और समर में ये पूरा भरा भी रहता है, लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ सबको सन लेना है। अभी मई का महीना है और आज 20 है, 20 तारीख, 20 को भी आप देखो हमने जैकेट पहन के रखा हुआ है। आप देखें, हाथ देखा, पूरी तरह से हमने जैकेट पहन के रखा हुआ है, कोल्ड द रीजन। और भगवान सूर्य को हम पुनः कल मिलेंगे। अब धीरे धीरे भगवान सूर्य अपने गंतव्य को, ये देखिए क्या सुंदर, बस यही सब आप सभी को दिखाना था। बाकी इधर सब शहर, रेजिडेंस,
लोग बैठे हुए हैं और मिगेल भाई यहाँ पर हैं। मिगेल जी की बहुत बड़ी हमें सहयोग मिला, उनका प्रेम स्नेह मिला और आज हम इनके द्वारा पोर्तो को डिस्कवर कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं पहली बार। ऐसा मैंने पोर्तो में तो 12-15 बार आया इनके साथ, बहुत बार इनके घर भी गया, लेकिन आज हमने इसको डिस्कवर किया अच्छे से। फाइव स्टार होटल, न्यू, कंप्लीटली न्यू। ओह यस, कंप्लीटली न्यू, अभी अभी तैयार नहीं है। ओके, अभी तैयार, चेकिंग और फेरफार करते हैं। सुबह सुबह पोर्तो पुनः मिगेल भाई के साथ और ये ईगल्स ऊपर में। This is the main quarter of Portugal. Ah, okay. Military. This one is another military quarter in Porto. क्या बात है, शिव शंभू हर हर महादेव। वो दूर यूनिवर्सिटी करने के लिए, ओके, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या लाइक एग्जाम, ये पोर्तो शहर का आर्मी का हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल है। डिस्ट्रीब्यूशन वेरी प्लेसेस। हाँ, ओके, सो ये जो जगह है वो आप विस्तार करके है और यहाँ से आप बहुत सारे जगह पे जा सकते हैं। वाहन की व्यवस्था है, मेट्रो, ट्रेन, बसेस। कहा जाता है कि पोर्तो पोर्चुगल की जो अभी वर्तमान राजधानी है लिस्बन, उससे भी पुराना। यस, हाँ, ये मैं उस स्टैचू के पास में आपको भी लेकर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा बाद में। हाँ, मैं कह रहा था कि पोर्तो लिस्बन से भी पुराने शहर है और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है। आप देख सकते हैं फुटपाथ अलग है, टैक्सी के रोड अलग हैं, बाकी सारे बसेस और कार तो आप देख ही रहे हैं। ये पोर्तो को डिस्कवर करने के लिए टूरिस्ट बस, ये काजा द म्यूजिक का करके है। ये पूरे म्यूजिक से संबंधित हर चीज इसमें सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और इसको बनाने में 10 ईयर का टाइम लगा था। और देख सकते हैं इसकी बनावट, वाओ, ये बहुत बड़ा है। यस, लुक्स लाइक स्टार, डायमंड। ये मिलेनियम बैंक और आप देख रहे हैं अभी भी रोड में कार चल रहे हैं। द लॉन्ग एवेन्यू इन पोर्टो, दिस वन गोज टू द फोर्ज, टू द दरिया। ओके, पोर्टो का दरिया, फोर्ज मींस संगम, जहां नदी और समुद्र दोनों एक साथ जुड़ते हैं। ये सबसे लंबा एवेन्यू पोर्तो शहर का। मिगेल भाई के साथ हम लोग हैं तो हर हर महादेव। मिगेल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ये हमारे इनके द्वारा ही आज हम कंटिन्यू पोर्तो को डिस्कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमने मतलब इसके पहले इतने अच्छे से ढंग से पोर्तो को हमने देखा नहीं था और इसी यही कारण है कि हम वीडियो बना रहे हैं जिसके द्वारा आप सभी भी पोर्तो को देख सके। कहीं भी आप विश्व के किसी भी कोने में है तो आप पोर्तो को आराम से देख सकेंगे। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं उस साइड का जो रोड है उसी तरह से अब इस साइड में रोड बन रहे हैं अभी। और बाद में इनका प्रोजेक्ट है कि ये जो सेंटर में जहाँ भी हम चल रहे हैं यहाँ पे मेट्रो बस कनेक्शन जुड़ेंगे और
इसके भी प्रारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं शायद स्टैंड का निर्माण हो रहा है, ये स्टैंड बन से यहाँ और सामने जो आप देख रहे हैं पूरा नीला नीला ब्लू कलर है, वो समुद्र है। वाओ। और देखते हैं दरिया, दूर दूर दरिया देखते हैं। This avenue is so long. Yes, true. हमारा घर पीछे। ओ वाह। तभी हम मिगेल भाई के घर ही जा रहे हैं। This is all luxury area. Yes. बंगला, मोटा मोटा बंगला बदे आ जाएगा, ये बिल्डिंग आ जाएगा। बड़े बड़े घर, स्वतंत्र घर, बंगलो। अब बंगलोस के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, ग्रीनरी आप देख सकते हैं, ब्लू स्काई। सामने समुद्र है और वहाँ जो नदी है और वहाँ पे संगम हो रहा है। कल हम लोग जो कंस्ट्रक्शंस के आप मशीन्स आप देख रहे होंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे, हम वहाँ गए हुए थे और आज फाइनली हम मिगेल भाई के घर पर हैं और हमें ये पहले पहले देखे ये शिया सीड्स का मिल्क शेक। नहीं नहीं अभी और है, 13 फ्लोर, हम 11th फ्लोर पे खड़े हैं। यू सी द टावर, बिग टावर ओवर देयर, यस इट्स अ टेलीविजन एरटीपी, एरटीपी यस यस सेंटर पोर्टुगा। ओके दैट टावर, तो ऐसा लिस्बन में भी होगा एक टावर। यस सो ये यहां का एक न्यूज़ चैनल है आरटीपी, उसको यहां पे एक्सटेप है बोलते हैं, उसका वो टावर था, न्यूज सेंटर है वो। क्या सुंदर दृश्य है यहाँ पे, वाओ। फाइनली हम लोग आज पोर्टो से लिस्बन के लिए चल दिए और मिगेल भाई हम सभी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड के पास में और वहाँ से आज शिव जी का आराधन हुआ था और सभी के माथे पर त्रिपुंड भस्म, यहाँ पे हर हर महादेव आप सभी को। यस और बाहर में काफी विंड है अभी, आप देख सकते हैं सभी पेड़ पौधे बहुत ज्यादा ही हिल रहे। क्या सीनरी है ये देखिए, दीपक आप देखिए बाहर कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, ये माउंटेन्स और ये पोर्टो फुटबॉल क्लब और उसका ये स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा होगा।
बस फाइनली वहाँ पे ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन साथ में, यहाँ कंपनियाँ करके जो बस स्टेशन है वो देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।